सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए कि प्रभु ने ये सुंदर शाम हमारे जीवन में दी। आज दिन भर में संभाल कर परमेश्वर ने ये समय हमें दिखाया और जीवितों की पृथ्वी पर हमारे प्राणों को जीवित रखा। इस बात के लिए हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 124:8 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है, आमेन। सच में हमारा परमेश्वर महान है और उसने हमें बनाया और उसने हमें सबसे उत्तम हम रचना परमेश्वर की है, वो सच में करता है आकाश और पृथ्वी का। और हम धन्यवाद करते हैं कि उसने, उसका वचन कहता है कि हमारी जो सहायता होती है वह उसी के नाम से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें सहायता मिलती है, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी सहायता करता है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर आपने प्रभु ये समय हमें दिखाया। परमेश्वर प्रभु, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे यीशु मसीह, हम हर एक जन को आपकी पवित्र उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर आपके नाम से ब्लेस करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने परमेश्वर, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी का कर्ता तू है प्रभु, धन्यवाद कि तूने इस संसार को बनाया परमेश्वर के लिए, धन्यवाद कि तू सृष्टि करता है प्रभु, और धन्यवाद कि इन सारी रचनाओं में सबसे उत्तम रचना तेरी मनुष्य है प्रभु। हम धन्यवादी हैं कि तूने हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है यीशु मसीह। हम इस बात के लिए तेरी बड़ाई का आदर महिमा के और तारीफ के योग्य यीशु मसीह आप हैं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, ईश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जन के लिए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, इस शाम के समय के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हर एक के जीवन में आइए प्रभु, हर एक के जीवन में आपका राज्य आए परमेश्वर पिता, और हर एक को पिता आप अपनी सुख समृद्धि आशीष भरे। पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक की सहायता के लिए मेरे प्रभु जी, कि प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु हम आपकी सहायता को मांगते हैं प्रभु। पिता, मैं एक एक जन के लिए प्रभु तुझसे विनती प्रार्थना और निवेदन करती हूँ मेरे प्रभु कि पिता आप हर एक जन की सहायता और मदद करें, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपकी सहायता को मांगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सहायता हमें आपके नाम से मिलती है। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह प्रभु जी, जो बीमारी में है परमेश्वर पिता, आप उन्हें बीमारी से निकलने में प्रभु आप उनकी सहायता करें प्रभु जी। जो दुख परेशानी विपत्तियों में कलेशों में एडिक्शन में है प्रभु जी, आप इन सारी विपत्तियों से उन्हें निकलने में सहायता और मदद करें प्रभु जी। प्यारे प्रभु, जिनके रिलेशनशिप में गड़बड़ियां हैं प्रभु, उनके रिलेशनशिप से प्रभु अच्छा होने में आप उनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। जिन पर प्रभु गलत आरोप लगाए गए हैं परमेश्वर पिता, गलत बातों में जिन्हें फंसाया गया है प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनको उस परिस्थिति से निकलने में सहायता और मदद करें प्रभु जी। प्रभु आप हर एक जन में परमेश्वर आप अपना आशीष दें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने हर एक जन को प्रभु बनाया है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आप हर एक के साथ रहते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन भी कहता है कि मत डरो, मैं तेरे परमेश्वर हमारे साथ है। सच में प्रभु हमारे साथ है और वो हर समय हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है प्रभु। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो पिता आपसे सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रभु सहायता के लिए प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उनकी प्रार्थनाओं को तेरे सम्मुख लेकर आती हूँ। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनकी सहायता और मदद करें मेरे यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी जॉब को ढूंढ रहे हैं प्रभु, अपने लिए बहुत, अपने फ्यूचर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं प्रभु जी। पिता आप उनकी सहायता करें प्रभु, आप उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देकर उनकी सहायता और मदद करें प्रभु। पिता परिवार को जोड़ने में आप हर एक की सहायता करें प्रभु जी, रिलेशनशिप को जोड़ने में आप हर एक की सहायता करें प्रभु। प्रभु संतान की आशीषों को देने में प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु। प्रभु यदि कोई भी दुख में है, विपत्ति में है, परेशानी में है, कलेश में है, कर्जे में है प्रभु, तो आप उनके सहायक बन जाइए प्रभु। अपने वचन के अनुसार आपका वचन कहता है कि हमारी सहायता उसी के नाम से होती है प्रभु यीशु, आपके नाम से हर एक की सहायता
हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आप हर एक को अपनी सहायता प्रदान करें प्रभु यीशु, हर एक के साथ में होइए आज की रात में, हर एक को मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें प्रभु यीशु, धन्यवाद हर एक विपत्ति हर एक के जीवन से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया यीशु मसीह, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।